आपको बता दें, सीएम गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनौती दी है। राजस्थान चुनाव 2023 का मुख्य मुद्दा है कांग्रेस पार्टी द्वारा दी जा रही 7 गारंटियां। विपक्षी दल की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे साथ कांग्रेस की 7 गारंटियों पर एक बहस करें, तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और दिनेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी, सीधी चुनौती दे डाली है वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? जी देखिए, सीएम अशोक गहलोत का ये ट्वीट है, ये बयान है, रिएक्शन बहुत कुछ कहता है, क्योंकि पूरे चुनावी परिदृश्य में भाजपा की सियासत करे तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एकदम शांत है, ज्यादा उनका रोल यहाँ पर नहीं देखा गया, चाहे उम्मीदवार कह लो। लेकिन अब जिस तरह वो चुनावी सभाएं कर रही है और सरकार पर, उसकी जो महंगाई राहत कैंप है, अन्य स्कीम पर सवाल उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि हम ये 7 गारंटियां जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने खुली चुनौती डिबेट और बहस करने की दी है पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया को। उन्होंने ट्वीट किया है एक्स पर और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चुनौती दी है कि इन 7 गारंटियों को लेकर वो आपके साथ खुली बहस करने को तैयार है, कहीं भी आप डिबेट इस मुद्दे पर कर सकते हैं। तो उनके इस रिएक्शन से कह सकते हैं कि सियासत गरमा चुकी है और इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर अचानक सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को क्यों अटैक किया है। कहीं इनके पीछे उनकी कोई गुगली तो नहीं, कोई सियासी सर्जरी या जादूगरी थी नहीं कि वो तवज्जो देना चाहते हैं वसुंधरा राजे को? वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे लाइमलाइट में आए, वो फ्रंट बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेले, ताकि भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति है, जो संघ पृष्ठभूमि के नेता है, संगठन से जुड़े नेता है और वसुंधरा राजे का खेमा है, इन तीनों में आपस में राजनीति है, वो गर्मा जाए, इस लिहाज से उन्होंने टारगेट वसुंधरा राजे को किया है ताकि वो लाइमलाइट में आए। योगी, क्या मायने निकलते हैं इस ट्वीट और इस अटैक का? बने रही हमारे साथ और फिर